नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा छठी और ये आपका गणित विषय का कालांश। पिछले पीरियड में, पिछले कालांश में हमने प्रश्नावली 2.1 तथा उसकी कुछ परिभाषाएं सीखी थी, और प्रश्नावली 2.1 को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। पिछले 3 प्रश्न हम पहली क्लास के अंदर कर चुके हैं। अब प्रश्न आपके पास है कि 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? ये आपका है प्रश्न संख्या है। 32 और 53 के बीच में जितनी भी पूर्ण संख्या है आपको वो बतानी है, ठीक है? तो मिलकर बता देते हैं कितनी पूर्ण संख्या है। देखिए प्रश्न, और इसका हम उत्तर निकाल देते हैं। तो देखो 32 और ये है 53, तो 32 के बाद क्या आता है बच्चों? 33, फिर 34, फिर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और बच्चों 52। तो ये इतनी संख्याएं हैं, ठीक है? 32 और आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि 32 और 53 के मध्य कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारी की सारी जो संख्याएं यहाँ मैंने लिख रखी है, ये संख्याएं 32 और 53 के बीच की संख्याएं हैं सारी की सारी, ठीक है बच्चों? अब हम करते हैं अगला प्रश्न, और अब हम आ चुके हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 में बच्चों आपसे पूछ रखा है कि निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। तो बेटा जो भाग दे रखे हैं वो मैं लिख देता हूँ। 94 भाग बी आपको दे रखा है 10,000, भाग सी आपको दे रखा है 20,000, 2,00,000, 8,090 और भाग डी आपको दे रखा है 7,6,5,4,3,2,1। हमें इन सभी संख्याओं का पूर्ववर्ती लिखना है ना? तो पूर्ववर्ती से आप क्या समझते हो? पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि ठीक उससे आगे वाला जो अंक है वो हमें लिख देना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, इससे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक 5 है। तो प्रश्न क्रमांक 5 इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, वो छूट गया हमसे बीच में, ठीक है ना? तो प्रश्न क्रमांक 6 है, इसमें हमें इनका पूर्ववर्ती लिखना है, ठीक है बच्चों? ये देखिए पूर्ववर्ती अर्थात इसमें से आप एक कम कर दीजिए। 94 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 93, ठीक है? जैसे इसमें से एक कम किया, अगला क्या हो जाएगा इसके बाद? 10,000 में से एक कम कर दो, 9,999, इसमें से भी एक कम कर दो, यानी ये हो जाएगा 20,80,79, इसमें से एक कम कर दो, 76,54,320। यानी पूर्ववर्ती का मतलब एक कम कर दो, ठीक है बच्चों? तो ये प्रश्न क्रमांक 6। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 5, वो बीच में हमारा एक प्रश्न रह गया था गलती से। तो अब आ जाओ प्रश्न क्रमांक 5 पर, और प्रश्न क्रमांक 5 आपको क्या बोल रहे? निम्न के परवर्ती लिखिए, तो बच्चों भाग में सारे लिख देता हूँ पहले। 244, 0,701 भाग बी है
सौ 199 भाग सी है इसका 10 और फिर कितनी बार 9 है, 5 बार 9 है, 1 2 3 4 और 5। और फिर डी भाग करते हैं 2 3 4 5 6 7 और 0। अब हमें इनका क्या लिखना है, सबके पूर्ववर्ती लिखने। पूर्ववर्ती का मतलब कि जो संख्याएं आपको दे रखी है ना, उसमें से आप एक एक कम कर दो, ठीक है ना। तो इसमें आपको परवर्ती पूछा है, तो परवर्ती में एक जोड़ दो बस। जैसे ही आप एक जोड़ते जाओगे तो ये संख्याएं क्या होती जाएगी, परवर्ती बनती जाएगी, ठीक है। इसमें एक जोड़ोगे तो ये क्या बनेगी, 200। इसमें ये हमारे पास बन जाएगी 11 और पीछे शून्य कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 3 4 और ये लो 5। इसमें एक और जोड़ दो, 2 3 4 5 6 7 और 1, ठीक है बच्चों। तो परवर्ती का मतलब एक जोड़ना है, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़ा और इसमें भी हमने एक जोड़ा, यानी सब में एक एक जोड़ा, ठीक है। एक था परवर्ती और दूसरा था पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में से एक कटाना होता है और परवर्ती में एक जोड़ना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे प्रश्न क्रमांक 5 तक अब पूरे हो चुके हैं और आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इस प्रश्नावली के बचे हुए जो प्रश्न हैं वो करेंगे। और आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और अगली क्लास के अंदर हमारी प्रश्नावली 2.1 पूरी हो जाएगी। तब तक आप इसके जो बचे हुए उदाहरण वगैरह हैं वो कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।